आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसा गाजर का हलवा, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, वो भी बिना मावा बिना खोए के, क्योंकि मावा हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो आज हम बिना मावे के हलवा जो है बनाएंगे। इसका टेक्सचर देखिए, मावा ना डालने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर मावा पड़ा हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरी स्मोकिंग किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। 2 किलो मैंने गाजर लिया दोस्तों, इनको मैंने छील लिया और 3 से 4 दफ़ा मैंने साफ पानी में वॉश कर लिया है ताकि कोई मिट्टी ना हो। और अब हम कर लेते हैं ग्रेट। ग्रेट होकर के हमारी जो गाजर है वो रेडी है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बारीक वाले ग्रेटर से हमने ग्रेट नहीं किया है, जो ज़रा बड़ा रहता है ना उसी से मैंने ग्रेट किया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई तो हम पहले इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी स्टार्टिंग में सिर्फ आधा कप मैं यहाँ पर देसी घी ऐड कर रही हूँ, बाद में घी और जाएगा इसके अंदर। भाई ये हलवा है तो आधा कप घी में ये काम नहीं होगा, इसके अंदर घी और हमें आगे ऐड करना पड़ेगा। फ्रेग्रेंट के लिए भी मैंने तड़के में कोई भी यहाँ पर इलायची या कुछ भी नहीं डाला है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ग्रेटेड कैरेट डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा स्टर करके हम बाकी की कैरेट को ऐड करेंगे, क्योंकि एक बार में ये पूरी यहाँ पर एडजस्ट नहीं होंगी। ज़्यादा क्वांटिटी है, 2 किलो है, 2 किलो की गाजर का हलवा बना करके रख दीजिए फ्रिज में, जब दिल करे फ्रिज से निकालिए, गर्म करिए और इन्जॉय करिए। तो यहाँ पर इनको स्टर करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा नीचे को बैठती जाएंगी, क्योंकि गाजर थोड़ा सा श्रिंक होती जाएंगी जब इनको हीट मिलेगी। ठीक है, ये लास्ट बैच मैंने डाला और अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि ये और ज़्यादा जो है ना वो श्रिंक हो करके ईज़िली एडजस्ट हो और हमें इनको स्टर करने में आसानी हो। खोल करके देख लेते हैं, 5 मिनट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे चली गई है गाजर और अब हमें इनको स्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मावा जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो मावे जैसा टेक्सचर और बिल्कुल प्योर जैसा बाज़ार का गाजर का हलवा होता है वो टेस्ट लाने के लिए अब हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे। मावा नहीं ऐड करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूट है कि हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो 2 किलो मैंने गाजर लिया था और बिल्कुल फुल क्रीम जो है वो मैंने लिया है दूध, 1.5 लीटर। आप 2 किलो तक इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं, बट 1.5 लीटर में काफ़ी अच्छा ये हलवा बन करके रेडी हुआ था और फुल क्रीम ही आपका दूध होना चाहिए। दूध पहले से मैंने गर्म करके रात में ही रख दिया था। गर्म दूध आप डालेंगे तो यहाँ पर फटने के चांसेस नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सेफ्टी ले लीजिए, दूध को पहले से ही गर्म कर लीजिए। अब पूरा 1.5 लीटर दूध भाई एक बार में तो इस कढ़ाई में नहीं आने वाला है, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और 10 से 15 मिनट के बाद में फिर मैंने दूसरा बैच दूध का डाला है। इसी तरीके से मैं 3 से 4 दफ़ा में करके दूध डालूंगी और मैं इनको कंटिन्यू जो है वो अभी स्टोर कर रही हूँ। स्लो फ्लेम पर ये पकेंगे तो जो दूध है ना वो धीरे धीरे जब पकेगा तो इसके अंदर एक मावे वाला दाना बनेगा दोस्तों, और आपको जो है ना इजीली वही टेस्ट मिलने वाला है जो हलवाई के पास से आप हलवा लाते हैं। वैसे भी मैंने एक चीज़ देखा है कि हलवाई दूध में ही गाजर का हलवा बनाते हैं और ज़्यादा क्वान्टिटी में वो दूध डालते हैं, तो फिर उनका जो हलवा है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। ज़रूर नहीं कि इसके अंदर आप मावा ऐड करें। तो ये आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू मैं इनको स्टर कर रही हूँ और ये लगभग 20 से 25 मिनट से कंटिन्यू पक रहा था दोस्तों, और आप देखिए कि काफ़ी हद तक इनका जो टेक्सचर है वो मावे के जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, बट अभी इतना इनफ नहीं है, हमें थोड़ा इनको और ज़्यादा मावे के जैसा टेक्सचर लाने के लिए भैया पूरा दूध इसके अंदर हमें एडजस्ट कर देना होगा, बिल्कुल भी इसमें से हमें बचाना नहीं है। तो आप देखिए कि ये काफ़ी लिक्विडी जैसा अब नज़र आ रहा है, क्योंकि जो गाजर है ना उसने अपना पानी रिलीज़ किया है दूध के साथ मिल करके, ये काफ़ी पतला हो गया है। अब हम लास्ट बैच पूरा यहाँ पर दूध का ऐड कर देते हैं और अब हम छोड़ देते हैं इनको आराम से 20-25 मिनट पकने के लिए। तो टोटल 20 से 25 मिनट हमने अगेन इनको पकाने के बाद में अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर 200 ग्राम शुगर। आप शुगर अपने पसंद के अकॉर्डिंग ऐड करिए, लेकिन गाजर का हलवा ज़्यादा मीठा नहीं होता है, बहुत ही हल्का मीठा होता है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर शुगर ऐड किया है और गाजर भी बहुत ज़्यादा मीठी थी तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम शुगर दोस्तों अभी ऐड किया है, यानी 1 कप भर करके मैंने ऐड किया है। और अगर मुझे कम लगेगी तो मैं थोड़ा यहाँ पर 50 ग्राम तक और ऐड कर दूँगी, तो ये टोटल हो जाएगा 1 पाव के आसपास में। और मैंने उनको छोड़ दिया था, वो कंटिन्यू पक रही थी और अब एंड में हम आधा कप घी और ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। अब आप देखिए इसका टेक्सचर, इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर ये आधा कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है,
इससे थोड़ा सा और दाना बन जाएगा आपके हलवे के अंदर। नहीं, अगर आपको अवेलेबल है या नहीं डालना है तो आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। आप जो है जितना मैंने दूध डाला है उतने में हलवा आप बना लीजिए। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर जो आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया ना, मैं दो बार में करके ऐड करूँगी। तो एक बार मैंने स्प्रिंकल किया और ये लास्ट बैच मैंने स्प्रिंकल किया है, और अब ऐसे ही हम छोड़ दे रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है एक टेबलस्पून, बिल्कुल फ्रेश मैंने इनको अभी अभी क्रश करके लिया है। अब आप देखेंगे थोड़ी देर में कि इसका जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, देखा आपने कितना ज़्यादा जो है वो यमी दिख रहा है। ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। घी की क्वांटिटी हमने पूरी एक कप डाला और एंड में मैंने एक चम्मच भर करके घी और ऐड किया है। लास्ट में जब आप घी ऐड करते हैं ना तो जो घी का फ्लेवर है वो कम्प्लीटली आप फील कर पाते हैं एंड में। ठीक है, अब हम यहाँ पर नट्स ऐड करेंगे। पिस्ता नहीं ऐड कर रही हूँ, पिस्ता नहीं था, जो था घर में वही मैंने डाल दिया है। तो इसके अंदर है काजू और बादाम और थोड़ा ऐड किया, फिर हमने इनको स्टर किया ताकि ईजिली मिक्स हो जाए। अगेन मैं और ऐड करूँगी। तो ये जो ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी है ये टोटल 150 ग्राम है दोनों मिला करके, और फाइन चॉप करके मैंने ले लिया है। इलायची पाउडर हम डाल ही चुके हैं, बट फ्रेग्रेंट के लिए एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी। सिर्फ दो ड्रॉप मैंने यहाँ पर केवड़ा एसेंस डाला है, इससे और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। चलिए अब हम डिश आउट कर लेते हैं। हमने इनको सजा दिया है, थोड़ा सा ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट डाला और मैंने चांदी का वर्क लगा दिया। अब आप बताइए ये दिख रहा है कि नहीं बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेक्सचर, इसकी शक्ल, और जब आप बनाएंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि हाँ कोई फ़र्क नहीं है मावा डालने से। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैं फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।